फिरोजाबाद के थाना फरेहा क्षेत्र के गांव ईकू में भतीजों ने चाचा चाची को पीट पीट कर किया लहूलुहान। पुलिस मामले की जांच में जुटी, घायलों का कराया मेडिकल। घटना है गांव ईकू का, जहां सोमवार की देर रात करीब 11 में अजब सिंह और उसकी पत्नी किरण को उसके भतीजों ने लाठी डंडे से हमला कर लहूलुहान कर दिया। घटना के पीछे पति पत्नी के आपसी में बीच में बोलने विरोध किया था, जिसको लेकर भतीजों से घर में घुसकर मारपीट कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों इलाज और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। क्या बात हो गई थी? अरे आज दोनों जने मारे ना घर में आके अंदर। किसने मारा है? भतीजे ने मारा उनके ने। क्यों मारा? क्यों मेरे में मेरा पति मेरे को मार रहे थे, तो ये बोला था कि गाली मत दे जाते। मैं गाली दे रहे तो अपने घर पे तो दे रहे गाली मोरी तो दे रहे, तुमसे थोड़ी ना दे रहे गाली दे रहे हो। तो बताओ बता जिन्हें जो भी बता तो आगे उतने भी पैसा लगा के ऐसे लगा के दोनों तीनों ने हमारे मैया ने भैया ने। कहाँ की बात है ये? भरिया अजब सिंह। क्या बात हो गई थी? मतलब मेरा जो मेरी पत्नी है घरवाली है ना, इनको दो चार थप्पड़ में मारा था। मेरा अमित भतीजा है, उसके पास BSF नौकरी करते हैं, और मेरा उससे भतीजा सुमित है, वो लोगों ने फंसा मारा है और हैसिया मारा है। क्यों पत्नी से तुम्हारा झगड़ा हुआ था इसमें? हाँ झगड़ा हुआ था, मैं अपनी पत्नी को दो चार थप्पड़ मारा था, कोई रेसिस्टेंस हो जाती है इसलिए मारा था। वे आकर मेरे घर पर मेरी पत्नी को मारने लगे, शुरू मेरे को मारने शुरू हो गया। अब इतने फंसा मारा है।